Welcome to my YouTube channel T.NATH'S Physics class. I hope you are all enjoying sound health by this time. हमको पता है आप लोग सभी दिल लगा के Nerist NEE-2 2020 का प्रिपरेशन कर रहे हो. तो मेरा तरफ से बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू. आज आप लोग के लिए फिजिक्स का 5 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ. तो शुरुआत करने से पहले आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और हमको पता है पांचों क्वेश्चन आप लोग सही आंसर निकालेंगे. तो शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरर इन मेजरमेंट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2% एंड दैट इन measuring its mass is 3%, then the error in measuring the density of material of the sphere is. तो देखिए, इसको करने से पहले हम लोग को फर्स्ट जानना पड़ेगा डेंसिटी का फॉर्मूला. ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम, दैट इज m by 4/3 पाई आर क्यूब. एंड हम लोग जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, यहाँ पर 4 पाई बाई 3 एक कांस्टेंट है, एरर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सो वी ड्रॉप दिस टर्म 4/3 पाई. ओके, सो नाउ डेंसिटी इक्वल टू एम बाई आर क्यूब. तो ये डिवाइड फॉर्म में है, तो डिवाइड में एरर कैसे आता है? हमेशा इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर. ठीक है, एंड आप लोग जानते हैं एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर. तो क्या होगा? रिलेटिव एरर इन डेंसिटी क्या होगा? डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस जो भी पावर होगा दिस पावर इनटू रिलेटिव एरर. आर का रिलेटिव एरर होगा, तो डेल्टा रो बाय रो डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 डेल्टा आर बाई आर. तो हम लोग को क्या निकालना है? परसेंटेज एरर. देयरफॉर परसेंटेज एरर इन डेंसिटी दैट इज रो इक्वल टू एम परसेंट प्लस 3 इंटू आर परसेंट. मास का परसेंटेज एरर कितना दिया है? 3%. ठीक है, जैसा 3 है 3 इंटू रेडियस का परसेंटेज एरर कितना दिया है? 2. तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9%. सो राइट ऑप्शन इज बी. राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज डेंसिटी एरर कितना होगा? दैट इज 9%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी इज फाउंड टू बी 1000 मीटर. इन द एब्सेंस ऑफ विंड एंड एयर रेजिस्टेंस फाइंड द मैक्सिमम हाइट एज रीच बाय दिस प्रोजेक्टाइल. तो मैक्सिमम रेंज में, जब रेंज मैक्सिमम होगा उस समय मैक्सिमम हाइट कितना होगा, इसका फॉर्मूला, टेक्निकल फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम हाइट इक्वल टू 1/4 ऑफ मैक्सिमम रेंज. ओके, सो मैक्सिमम रेंज कितना दिया है? 1000 बाई 4 दैट इज 250 मीटर. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, दैट इज 250 मीटर. ओके, तो ये फॉर्मूला को अच्छा से याद रखना. जब भी रेंज मैक्सिमम होगा उस समय मैक्सिमम हाइट कितना होगा? 1/4 ऑफ मैक्सिमम रेंज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस विथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा एज शोन इन फिगर. द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, देन ए इज इक्वल टू. तो ये डायग्राम दिया है, ये ब्लॉक है, इंक्लाइन सरफेस का एंगल कितना है? ए. हम लोग ने इंक्लाइनेशन एक्सेलरेशन कितना दिया? ए. कौन सा तरफ दिया है? टुवर्ड्स राइट. ओके, तो ये सॉल्यूशन का डायग्राम है. तो देखिए,
वेट कौन सा तरफ होगा, हमेशा डाउनवर्ड, दैट इज वेट एम जी विल बी डाउनवर्ड। रिजोल्व करने से क्या मिलेगा, इधर में एम जी कॉस अल्फा, इधर में क्या मिलेगा एम जी साइन अल्फा। सो हम लोग का इंक्लाइन एक्सलेशन कौन सा तरफ है, राइट, तो शुड वी एक्सलेशन क्या होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। इसको रिजोल्यूशन करने से क्या मिलेगा, इधर में एम जी एम ए कॉस अल्फा, इधर में क्या होगा एम ए साइन अल्फा। तो एम ए साइन अल्फा एम जी कॉस अल्फा रिएक्शन के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो ये साइड में रिएक्शन और ये दोनों फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। इधर में ये बॉडी को बैलेंस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम जी साइन अल्फा और एम जी एम ए कॉस अल्फा क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, तभी बॉडी क्या रहेगा स्टेशनरी। सो स्टेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एम जी साइन अल्फा और एम ए कॉस अल्फा क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये बॉडी क्या रहेगा रेस्ट कंडीशन में रहेगा, दैट इज इन स्टेशनरी स्टेट में रहेगा। तो क्या होगा, रेस्ट में रहने के लिए क्या होना पड़ेगा, एम ए कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। तो ए इक्वल टू क्या होगा जी साइन अल्फा, एम एम कैंसिल हो गया, जी साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होगा टेन अल्फा। तो आंसर क्या होगा, ए जी टेन अल्फा। सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज जी टेन अल्फा। ठीक है, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज लाइंग ऑन ए स्मूथ टेबल एंड वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग ओवर वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल। इफ जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द टेबल इज, ऐसा सिचुएशन में हमेशा याद रखना इतना पार्ट हैंगिंग में है तो उसको खींच के निकालने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसका एक टेक्निकल फॉर्मूला है एंड वो टेक्निकल फॉर्मूला क्या है, एम बाई एन इंटू जी इंटू एल बाई टू एन। एन मतलब जितना पार्ट, वन फोर्थ होने से फोर होगा, वन थर्ड होने से थ्री होगा, वन फिफ्थ होने से एन का वैल्यू क्या होगा फाइव होगा। तो इसको कैलकुलेशन करने से क्या होगा, एम जी एल बाई टू एन स्क्वायर, कितना पार्ट हैंगिंग है वन थर्ड, मतलब एन का वैल्यू क्या लिखोगे थ्री। तो एम जी एल बाई टू जैसा ऐसा है, एन का वैल्यू थ्री है, थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर कितना होगा नाइन, नाइन इंटू टू कितना होगा एट्टीन। सो आंसर इज एम जी एल बाई एट्टीन, द राइट ऑप्शन इज डी। ओके, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ए चार्ज क्यू माइक्रोकूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए क्यू, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी फेस विल बी। तो ये क्वेश्चन पढ़ने का साथ साथ दिमाग में बात लाइए, तो क्या कैसे करना है, तो फ्लक्स निकालना है, यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, ये होल थ्रू होल क्यूब, दैट इज टोटल चार्ज बाय परमिटिविटी, दैट इज फाई इक्वल टू क्यू माइक्रोकूलम बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फेस में क्या होगा, हम लोग जानते हैं क्यूब का कितना फेस होता है, सिक्स फेस। तो वन फेस का कितना होगा, वन बाय सिक्स इंटू टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना है, क्यू माइक्रोकूलम डिवाइड बाई परमिटिविटी। तो माइक्रोकूलम को परमिटिविटी नीचे में आ गया, सिक्स सिक्स परमिटिविटी नीचे में आने के बाद क्या होगा, सिक्स परमिटिविटी ऊपर में क्या रहेगा, माइक्रोकूलम को कन्वर्ट कीजिए क्यू इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स। ओके, सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज क्यू इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स डिवाइड बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। द एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। ओके, so this much, I'll show some more question in my next video. Thank you for watching my video.